तो हाय गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नए पबजी मोबाइल के वीडियो में। तो ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि पबजी मोबाइल में टॉप 5 बेस्ट अजॉल्ट राइफल्स कौन सी है। तो इसमें हमने ड्रॉप वेपन्स को इंक्लूड नहीं किया है, जैसे कि ग्रोजा या ऑग। तो बिना वक्त को ज़ाया करे चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो 5th नंबर पर आती है QVZ। ये एक शॉर्ट रेंज और मिड रेंज गन है, जिसे आप चाहे तो लॉन्ग रेंज में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये गन का डैमेज अच्छा खासा है और ये सिर्फ शैनहॉक मैप में मिलती है। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। तो इसका ओवरव्यू आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर दिख चुका होगा। और ये सिंगल और ऑटो दोनों में भी चल सकती है। तो इसमें लगते हैं 5.56 के एमओ, जो कि ज़्यादा डैमेज नहीं खाते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बेस्ट अटैचमेंट्स के बारे में। तो इसके बेस्ट अटैचमेंट में सबसे पहले आता है कॉम्प्रेसेटर, फिर वर्टिकल फोर्स ग्रिप, और उसके बाद 3x स्कोप, और फिर एक्सटेंडेड विड्रॉ मैग, जो आपको पता है हर गन में बेस्ट होता है। तो 4th नंबर पर आती है स्कारल। ये एक शॉर्ट रेंज और मिड रेंज वेपन है, जिसे आप लॉन्ग रेंज में नहीं यूज़ कर सकते। इसमें लगते हैं 5.56 के एमओज, और ये हर एक मैप में मिलती है, ये ऐसी गन है। अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में, जो आप देख ही सकते हैं आपके स्क्रीन पर। ये गन जो है, इसके जो डैमेज है वो इतना खासा नहीं है, पर ये सिंगल और ऑटो दोनों में भी चल सकती है। इसके बेस्ट अटैचमेंट देखिए तो उसमें आता है कॉम्प्रेसेटर, वर्टिकल फोर्स ग्रिप, एक्सटेंडेड विकड्रॉ मैग, और स्कूप्स की बात करें और 3x और रेड डॉट, ये दोनों भी इसके लिए बेस्ट है। तो आपको स्कारल पसंद है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है। तो नंबर 3 पर आती है बैरल या M762। ये एक शॉर्ट रेंज वेपन है, जिसे आप बाकी कोई रेंजेस में यूज़ नहीं कर सकते। ये जो वेपन है वो हर एक मैप्स में मिलता है, और इसके ओवरव्यू की बात करें तो आप देख ही सकते हैं उसका ओवरव्यू। इसका डैमेज आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है, क्योंकि इसमें लगते हैं 7.62 के एमओ, जिसका डैमेज तो एकदम ही खतरनाक होता है। ये गन सिंगल, बर्स्ट और ऑटो तीनों में भी चल सकती है। अब इसके बेस्ट अटैचमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है कॉम्प्रेसेटर, और ग्रिप्स में आती है थंब ग्रिप, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, और स्कोप्स में इसका रेड डॉट सबसे बेस्ट होता है। तो अब 2nd नंबर पर आती है हमारी AKM। ये भी एक शॉर्ट रेंज गन है, और आप मुझे पूछोगे कि इसे तुमने बैरल के ऊपर क्यों रखा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका डैमेज भी बैरल से ज़्यादा है, और इसका रिकॉइल भी कम है बैरल से। तो इसमें लगते हैं 7.62 के एमओ, जो कि आपको पता ही है कितना डैमेज देते हैं। अब बात करें इसके ओवरव्यू के बारे में, तो आप देख लो इसका ओवरव्यू, और इसका डैमेज सिर्फ एक कदम ज़्यादा है बैरल से। अब बात करते हैं इसके बेस्ट अटैचमेंट्स के बारे में। तो उसके बेस्ट अटैचमेंट्स में आते हैं कॉम्प्रेसेटर, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, और इसका नोस्कोप यानी कि आयरन साइड ही सबसे बेस्ट होता है। ये गन हर एक मैप्स में मिलती है। तो 1st नंबर पर आती है हम सब की फेवरेट M416। अब आप मुझे पूछेंगे कि क्यों आपने इसे फर्स्ट पे रखा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि ये शॉर्ट रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज तीनों रेंजेस में एकदम बीस्ट गन है, और इसका डैमेज भी एकदम ओपी है एज़ कम्पेयर टू अदर 5.56 गन्स। तो अब इससे तो आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें कौन से एमओज लगते हैं। जी हाँ, इसमें लगते हैं 5.56 के एमओज, जो कि ज़्यादा डैमेज खाते हैं। और इसके ओवरव्यू की बात करें तो उसमें आपका ओवरव्यू देख लियो आप इसका। अब ये गन हर एक मैप में मिलती है, और ये सिंगल और ऑटो में
चलती है। अब बात करते हैं इसके बेस्ट अटैचमेंट्स के बारे में। तो उसके बेस्ट अटैचमेंट्स में आते हैं कॉम्प्रेसेटर, एक्सटेंडेड क्विक ड्रॉ मैग, और ग्रिप्स में वर्टिकल फोर्स ग्रिप या हाफ ग्रिप, आप कोई भी ग्रिप यूज़ कर सकते हो, दोनों भी उसके लिए बेस्ट है। और स्टॉक के बारे में तो आपको पता ही है, इसमें एक ही स्टॉक लगता है। और इसके स्कोप में सबसे बेस्ट होता है 6x स्कोप, जो कि इससे M4 एकदम बीस्ट चलती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप में से किस किस को M4 बेस्ट लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज का वीडियो करते हैं यहाँ पर ही एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।